जांच की गई है। उज्जैन महितपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को वन विभाग की टीम ने एक आरा मशीन पर अवैध लकड़ियों की जानकारी प्राप्त होने के बाद छापामार कार्रवाई की। इसकी सूचना मिलने पर पत्रकार कवरेज करने पहुंचे, जिन पर लकड़ी माफिया, उसके चाचा, भाई व तीन अन्य लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें लगभग चार लोग घायल हो गए। घायलों में एक गंभीर रूप से घायल को उज्जैन रेफर किया, जबकि शेष तीन को महितपुर में उपचार दिया जा रहा है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। महितपुर थाना प्रभारी आरसी कोहली के अनुसार अशरफ पठान की आरा मशीन पर वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध लकड़ियों की जानकारी प्राप्त होने के बाद छापामार कार्रवाई की गई। इस बात की जानकारी लगने पर पत्रकार रिपोर्टिंग करने पहुंचे अशरफ पठान ने इसका विरोध करते हुए अपने भाई अन्नू, चाचा मोइनुद्दीन व तीन अन्य ने हमला बोल दिया। वहीं अशरफ पठान ने तन्मय पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। अभी कुछ समय पहले ही ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो पत्रकारगण हैं वो अशरफ पठान की ताल पर कुछ कवरेज के लिए गए थे। अब वो कुछ वन विभाग का शासकीय कार्यवाही का कोई मैटर रहा था उसमें, उसकी जानकारी ली जा रही है। तो पत्रकारगणों के द्वारा जब कवरेज किया गया तो मुश्ताक मोहिद्दीन अन्नू और अशरफ पठान और अन्य कुछ लोग और भी थे, उनके द्वारा प्राण घातक हमला किया गया, जिसको तत्काल ही उज्जैन रेफर कर दिया गया फरियादी को, और दो पत्रकारगणों को उज्जैन रेफर किया गया, साथ में 307 की कार्रवाई की जा रही है। सर, राइट्स और रूल्स के हिसाब से पत्रकार जब कवरेज करने के लिए जाते हैं वहाँ पर ऑलरेडी प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी रहती है। इतनी बड़ी चूक जो है महितपुर थाने में आई है कि महितपुर में जब पत्रकार कवरेज कर रहे थे और उनके दलों पर हमला हो जाता है, अब क्या होना चाहिए और किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे आप? इसमें मैं बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब ये कार्रवाई वन विभाग के द्वारा और रेवेन्यू के द्वारा की जा रही थी, पुलिस को कोई संज्ञान में नहीं डाला गया कि ये कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। संभवतः अगर ये बात बताई जाती तो पुलिस बल भी जाता। ये जब घटना हो गई इसके बाद ये सूचना आई कि वहाँ पे ये वारदात हुई है, अदरवाइज गुंजाइश सारी थी कि ये घटना ना होने पाती, पर अब जैसे ही ये चीज़ हुई है तो उसमें तत्कालीन संज्ञान में लिया गया है और 307 की टाइमिंग भी की गई है, और हमारे चारों थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को मैंने सभी जगहों पर जहाँ गुंजाइश हो सकती है दबिश के लिए भेजा गया है। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? आरोपी तो कोई नहीं मिला, पर उसके परिवार के जो लोग थे उनको पूछताछ के लिए बुलाया।